बड़ी खबर यह है कि सीबीआई ने 7 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट शुरू कर दिया है। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष इसमें शामिल है जिनका पॉलीग्राफी टेस्ट हो रहा है। आरोपी संजय रॉय समेत 7 लोगों का टेस्ट किया जा रहा है। सच्चाई का पता लगाने के लिए सीबीआई एक एक कदम आगे बढ़ रही है और अब पॉलीग्राफी टेस्ट तक बात पहुंची है। तो 7 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट किया जा रहा है और ये शुरू हो चुका है। जो इस वक्त अपडेट हमें मिल रहा है, सीबीआई दफ्तर में ही इस टेस्ट को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसमें एक ट्रेनिंग डॉक्टर, एक वॉलंटियर का सीबीआई दफ्तर में टेस्ट हो रहा है। और आइए अब आपको बताते हैं पॉलीग्राफ जो टेस्ट होता है वो क्या होता है और ये कैसे काम करता है। आपको हम बता रहे हैं, झूठ पकड़ने वाली दरअसल ये मशीन है, लाई डिटेक्टर टेस्ट भी इसका नाम होता है पॉलीग्राफ टेस्ट का। इसके अलावा मशीन के पॉइंट्स को इंसान के सीने उंगलियों से जोड़ा जाता है, मशीन के सहारे जोड़ा जाता है और आरोपी से अपराध से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं पॉलीग्राफ टेस्ट में। ये पॉलीग्राफ टेस्ट आगे बढ़ाया जाता है और जो जवाब देते वक्त शरीर में आए बदलाव को मॉनिटर किया जाता है। जो भी आरोपी है जब जवाब देता है तो ये मशीनों में कैद हो जाता है और इंसान की जो हार्ट रेट होती है, ब्लड प्रेशर होता है, नाड़ी की जो गति होती है उसे देखा जाता है, उसे रीड किया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है और हमारे साथ कुमार कुंदन और ज्यादा जानकारी के साथ सीधे कोलकाता से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुमार, पॉलीग्राफ टेस्ट शुरू हो चुका है, 7 लोग इसमें शामिल हैं, जो मुख्य आरोपी है वो भी शामिल है, संजय रॉय पूर्व प्रिंसिपल भी शामिल है। क्या कुछ उम्मीद है इस पॉलीग्राफ टेस्ट से निकलकर सच बाहर आ सकता है? लेकिन ये समझना पड़ेगा कि आखिरकार सीबीआई को पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की नौबत क्यों आई। दरअसल कुछ ऐसे एविडेंस मिले हैं जो एविडेंस कुछ और कहानी भी कहते हैं। मसलन जो हमें TV9 भारतवर्ष को जानकारी मिली है उसके मुताबिक सेमिनार हॉल में कुछ फिंगरप्रिंट्स ऐसे मिले हैं जो 2 डॉक्टर्स के मिले हैं। तो सीबीआई को ऐसा लगता है कि जो भी कहानी कही जा रही है उसमें कितनी सत्यता है या फिर वो सत्यता से पड़े हैं, यह जानने के लिए पॉलीग्राफ टेस्ट जरूरी है। इसलिए जो 4 डॉक्टर जिनके साथ पीड़िता ने रात का खाना खाया था, उन सभी डॉक्टरों का भी पॉलीग्राफी टेस्ट किया जा रहा है। इसके साथ प्रिंसिपल का भी पॉलीग्राफी टेस्ट किया जा रहा है और इस वक्त सीबीआई दफ्तर में मौजूद हूं निधि। ये सीबीआई दफ्तर के अंदर ही अभी पॉलीग्राफ टेस्ट कराने का जो प्रोसेस है वो शुरू हुआ है और सबको यही बुलाया गया है। जहाँ तक बात संजय राय की है तो संजय राय जेल में है। अभी तक की सूचना के मुताबिक पुलिस जो है, जेल सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो जाके जेल में उसका पॉलीग्राफ टेस्ट करेंगे या फिर संभव ये भी है कि उसका एक तरीके से कोर्ट से कस्टडी लेके फिर हो सके सीबीआई अपने दफ्तर में ही करें, लेकिन उसको लेकर उहापोह है। बाद बाकी लोगों का पॉलीग्राफी टेस्ट शुरू हो चुका है निधि। बिल्कुल, लेकिन कुमार एक बड़ी बात ये कि जब इस पूरे मामले की जांच आगे बढ़ रही है, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जो राज्य सरकार की जांच है, प्रशासन की जांच है वो अलग थी और सीबीआई की जांच अलग दिशा में आगे बढ़ रही है, तो ऐसे में ये जो पॉलीग्राफ टेस्ट है वो बहुत जरूरी है। आऊंगी कुमार कुंदन आपके पास और इस वक्त एक बड़ा अपडेट आपको दे दें, सीबीआई दफ्तर में संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट किया जा रहा है, पूर्व प्रिंसिपल का, 6 लोगों का टेस्ट सीबीआई दफ्तर में ही हो रहा है। सीबीआई दफ्तर में ही ये सभी लोग मौजूद हैं, एक इसमें वॉलंटियर भी मौजूद है, एक ट्रेनी भी मौजूद है जिनका पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि सच्चाई का पता लगाने की कोशिश कुमार हो रही है कि जो विरोधाभास अब तक बयानों में सामने आए, जो कॉन्ट्रडिक्शन सामने आया, उस कॉन्ट्रडिक्शन को क्लियर करने के लिए वारदात वाले दिन उस रात क्या हुआ था, ये सब पता लगाने के लिए पॉलीग्राफ टेस्ट किया जा रहा है। क्या ये कामयाब होते हैं टेस्ट, जो सच्चाई का जब पता लगाया जाता है इस तरह से टेस्ट के जरिए? देखिए निधि, इसको समझना पड़ेगा, जितने लोगों को अब तक सीबीआई ने गिरफ्तार किया है इसमें से कोई भी एक तरह से कह सकते हैं कि हैबिचुअल क्रिमिनल नहीं है। सबके सब एक तरीके से एक आम लोग हैं और बताया जाता है कि जो हैबिचुअल क्रिमिनल होता है उससे कुछ उगलवाना मुश्किल होता है, लेकिन जो आम लोग होते हैं जो इस तरह के अगर कोई टेस्ट किया जाए तो उसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाती है। शायद यही वजह है कि सीबीआई इतने पॉलीग्राफ टेस्ट का सहारा लेने का फैसला किया, पहली बात। दूसरी बात, जो पूरे 3D मैपिंग की गई है सेमिनार हॉल की, तो मैपिंग के बाद 2 ऐसे फिंगरप्रिंट सीबीआई को मिले हैं जिसके बारे में कहा जा रहा है कि 2 फिंगरप्रिंट किसी ऐसे 2 डॉक्टर के हैं जिसको सीबीआई ने ऑलरेडी यहां पे पकड़ के रखा है। तो ऐसे में यह भी जानने की कोशिश की जा रही है कि क्या
उन दोनों डॉक्टरों का क्या रिलेशन था उस पूरे घटनाक्रम से, वो क्या करने वहाँ आए थे, तो तमाम तरह की चीज़ें हैं जो डॉक्टरों ने जवाब दिया। संभव है सीबीआई उस डॉक्टर के जवाब से संतुष्ट नहीं है और इसके लिए पॉलीग्राफ टेस्ट तक की नौबत आई है। प्रिंसिपल का जो रोल है, कई सारी चीज़ें हैं उसमें, प्रिंसिपल जो बता रहे हैं और जो सीबीआई के पास डेटा है दोनों मिसमैच कर रहा है, प्रिंसिपल का मोबाइल डेटा भी मिसमैच कर रहा है, तो ये सब चीज़ें जो हैं सीबीआई जानना चाहती है और उसके लिए पॉलीग्राफ टेस्ट जरूरी है। यही वजह है कि सीबीआई ने अदालत में अर्जी लगाकर बाकायदा पॉलीग्राफ टेस्ट की इजाजत ली और सब लोगों के कंसेंट के बाद अब जाके पॉलीग्राफ टेस्ट शुरू हो पाया है। निधि, बहुत बड़ा अपडेट कुमार कुंदन इस वक्त कोलकाता से दे रहे हैं। आरजीकर अस्पताल से पॉलीग्राफ टेस्ट शुरू हो चुका है, 7 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जा रहा है, ये पता लगाने के लिए कि इस केस से जुड़ी हुई, केस डायरी से जुड़ी हुई जितने भी सबूत सामने आए उसका आधार क्या है, इसका मिलान करने की कोशिश होगी पॉलीग्राफ टेस्ट के जो भी नतीजे सामने आए। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार आपका जानकारी देने के लिए। और कोलकाता से एक और बड़ी खबर आपको ये बताएं कि बंगाली एक्ट्रेस पर हमला हुआ है, कार चलाते समय एक्ट्रेस पायल मुखर्जी पर हमला हुआ है, बदमाशों ने पायल मुखर्जी की कार का शीशा तोड़ दिया। कोलकाता पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है, पायल ने खुद अपनी आपबीती बताई है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो पायल ने खुद बताया है कि उनके साथ क्या हुआ। वीडियो में पायल मुखर्जी अपने साथ हुई घटना के बारे में इस तरह से बताती हुई दिख रही है। পুলিশও এসেছে, ছেলেটিকে ধরা হয়েছে, ওখানে তার বাইকটা রয়েছে, প্রচুর লোকজন এখানে রয়েছে এবং কলকাতা শহরে আজকে আমি এই কারণেই এলাম লাইভে। আমরা এত কিছু প্রোটেস্ট করছি, এত কিছু চলছে, তার মধ্যেও একটি মেয়ের মিনিমাম নিরাপত্তা বোধ হয় আজকের ডেটে আমাদের এখানে নেই এবং আমি সেই কারণেই এলাম। বাইকটা আমার গাড়িতে রাদার ওর টাচ হয়েছে, হওয়াতে ও এসে আমাকে আই ওয়াজ ড্রাইভিং আমাকে এসে নক করে, আমি একটু কাজ নামাই এবং আমাকে বলে যে আমাকে বলে দরজা খুলতে সাদান এভিনিউতে। ওকে, আমি বলি যে দরজা আমি খুলবো না, আমি অবভিয়াসলি আমার একটা মহিলা হিসেবে আমার একটা সিকিউরিটির ব্যাপার আছে, আমাকে হি ক্যান মলেস মি। তারপরে সাদান এভিনিউতে, ইউ সি সাদান এভিনিউতে এসে ঘুষি মেরে আমার কাজ, গাড়ির কাজ ভেঙে দেয় এবং আমি এখান থেকে উঠতে পারছি না। পুলিশ এসেছে, পুলিশরা আমাকে এখান থেকে রেস্কিউ করবে বিকজ আমার পুরো সব জায়গায় কাছে কাঁচ হয়ে রয়েছে। আমি এখান থেকে বেরোতে আমার কলকাতা শহরে এটা মেয়েদের সিকিউরিটি। पायल मुखर्जी को आपने सुना, बहुत दहशत में लग रही थी, डरी सहमी हुई और बीजेपी ने सोशल मीडिया पर दरअसल पायल मुखर्जी का ये वीडियो शेयर करते हुए ममता सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर ये लिखा है, हम आपको दिखा रहे हैं कि अब बंगाली अभिनेत्री पायल मुखर्जी कोलकाता के दक्षिणी एवेन्यू में बाइक सवार हमलावर के दुर्व्यवहार और हमला किए जाने के दौरान अपनी जान के डर से लाइव होती हैं। आश्चर्य है कि राज्य की गृहमंत्री जो हैं ममता बनर्जी ने कोलकाता को महिलाओं के लिए बुरे सपने में कैसे बदल दिया है और उनके सलाहकार महिलाओं को रात की ड्यूटी से दूर रहने के लिए कह रहे हैं। तो बीजेपी ने बड़ा आरोप लगाया है, जो राज्य का लॉ एंड ऑर्डर है उस पर सवाल खड़े किए हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बात असम की करते हैं। असम से एक बहुत खतरनाक मामला सामने आया, असम के नागांव गैंगरेप केस के आरोपी की मौत हो गई है। पुलिस हिरासत से भागने के दौरान तालाब में डूबकर आरोपी की मौत हो गई है। दरअसल क्राइम सीन को रिक्रिएट करना चाहती थी पुलिस और जब लेकर जा रही थी उसी वक्त ये बड़ी घटना होती है। आरोपी नदी में कूद जाता है और फिर डूब गया। पुलिस ने तालाब से आरोपी तफजुल इस्लाम का शव बरामद किया है। तो एक आरोपी की मौत इस केस में चौंकाती है, ये केस गैंगरेप से जुड़ा हुआ ये मामला, इसमें मौत चौंकाती है आरोपी की। आरोपी की मौत से जुड़ी कुछ और जानकारी आपको देते हैं, बताते हैं कि पूरी घटना कब और कैसे घटी है। गैंगरेप के आरोपी ने अपनी जान दे दी, शुक्रवार को दरअसल पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया था। क्राइम सीन को रिक्रिएट करने के लिए पुलिस लेकर जा रही थी, भागने की कोशिश की इसने आरोपी ने और तालाब में कूद गया। तालाब के पानी में डूबकर आरोपी की मौत हो गई। अब एसडीआरएफ की टीम ने आरोपी का शव भी तालाब से बरामद कर दिया, लेकिन इस मौत के बाद कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं।
और बड़ी बात ये बता दें कि आरोपी तफजुल इस्लाम के गांव वालों का बड़ा ऐलान सामने आया है, आरोपी के अंतिम यात्रा में नहीं होंगे शामिल, यानी बॉयकॉट करने का फैसला लिया है, गांव की कब्र में नहीं होने देंगे दफन, आरोपी के परिवार के बहिष्कार ने बहिष्कार का ऐलान कर दिया है परिवार ने। तो ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है, इस मामले में जो असम की सरकार है वो जांच को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर दिखाई दे रही है, इस पूरे मामले पर बयान भी सामने आ चुका है हेमंता बिस्वा सरमा का, और परिवार वालों ने अब शव को लेने से बहिष्कार कर दिया है, दफन नहीं किया जाएगा उनकी तरफ से कहा गया, क्या कुछ कहना है आपको सुनवाते हैं। हमारा गांव के लोग उनको उनका जनाजा भी नहीं करेंगे, उनको कब्रस्त भी नहीं करेंगे, और तीसरा एडिशन है उन लोगों का जो घर है मतलब समाज से उनको सेपरेट कर दिया गया है, समाज के साथ नहीं रखेंगे। जो अपराध करता है, जो दोषी है, उनके विरुद्ध में हम लोगों का मतलब क्या, हम लोगों का रेगुलर क्या है मतलब रेगुलर अपोस करना चाहिए, क्योंकि क्या है मतलब जो दोषी है दोषी का हम लोग कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। और आपको बता दें कि तफजुल इस्लाम जिस केस में आरोपी था उस घटना के बारे में आपको डिटेल में बताते हैं, तब आप और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि लोगों में कितना गुस्सा और आक्रोश है इस घटना के खिलाफ। असम में झकझोर देने वाली ये घटना सामने आई, ट्यूशन से लौट रही नाबालिग से दुष्कर्म किया गया, तीन लोगों ने नाबालिग से दुष्कर्म किया है, बेहोशी की हालत में सड़क के किनारे लड़की मिली, और गुरुवार को हुई थी गैंगरेप की घटना। शुक्रवार को पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, इस मामले में तालाब में डूबकर एक आरोपी की मौत हो जाती है, कई सवाल सामने, घटना में शामिल दो आरोपी अभी भी फरार हैं। तो ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है, असम का बहुत ही ज्यादा भयावह मामला है, आरोपियों की तलाश में अब पुलिस असम पुलिस जुटी हुई है। और कल इस घटना को लेकर असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा सरमा ने ये कहा था कि जिन अपराधियों ने नाबालिग बच्ची के साथ जघन्य अपराध किया है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। सरकार को देखना चाहिए पब्लिक कि सरकार एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहा है, जब जब लोगों को लग जाता है कि नहीं इसमें सरकार का ढीला है तो लोग नाराज हो जाते हैं। जैसे मेरा धींग में घटना हुआ, मैं तुरंत डीजीपी को भेजा, दो लोगों को दो तीन घंटा में ही अरेस्ट किया, मंत्री भी उधर चला गया, और आगे का भी कठोर कार्यवाही होगा ही होगा। जब ऐसा घटना होता है सरकार को बहुत एग्रेसिव एक्शन लेना चाहिए, बंगाल में सरकार ने लिया नहीं इसीलिए लोग नाराज हो गया। और एक और बड़ी खबर आज की बता दें, राजस्थान के भिवाड़ी में अलकायदा मॉड्यूल का ट्रेनिंग कैंप का पर्दाफाश हुआ है, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने रेड की और हथियार चलाने की ट्रेनिंग इस इलाके में दी जा रही थी, छह संदिग्ध आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, गोला बारूद आतंकी विचारधारा की किताबें भी बरामद की गई हैं, इनकी मदद ली गई जो आतंकी तैयार कराए जा रहे थे, पांच राज्यों में अब ऑपरेशन चल रहा था। तो छह संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किए गए, एक बड़ा मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है, अलकायदा मॉड्यूल के पर्दाफाश होने पर जयपुर रेंज के आईजी अनिल कुमार ने क्या कुछ कहा है आपको बताते हैं। सस्पेक्ट आए उनको करीब संख्या में छह लोग थे जिनको वहाँ पुलिस को हमने गिरफ्तार करके उनको सुपुर्द किया गया था, और बाकी शेष जो कार्रवाई थी वो तो कि दिल्ली पुलिस इसमें स्पेशल सेल इसमें डील कर रही, राजस्थान पुलिस है वो कोई भी ऐसा गंभीरता के साथ पूरी जांच पड़ताल करेगी, पता करेगी कहाँ कहाँ जैसे लोगों का हाइड हाउस थे, कौन किन लोगों के संपर्क में है, इस प्रकार की कोई जानकारी जो विशेष रूप से वहाँ दिल्ली पुलिस से मिलने पर हम सख्त रूप से कार्रवाई करें। आपको बता दें कि अलकायदा मॉड्यूल ट्रेनिंग कैंप का जो पर्दाफाश हुआ है उससे क्या जुड़ी डिटेल सामने आ रही है, राजस्थान के भिवाड़ी में था अलकायदा मॉड्यूल का ये ट्रेनिंग कैंप, जो पहली बड़ी जानकारी मिल रही है, और युवाओं को धर्म के नाम पर बरगलाया जाता था, इकट्ठा किया जाता था, सोशल मीडिया से युवकों को प्रभावित किया जाता था, ट्रेनिंग कैंप में जूडो कराटे भी सिखाया जाता था, हथियार बनाने और चलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी इन लोगों को, ट्रेनिंग कैंप में बम बनाने की ट्रेनिंग भी दी जा रही थी इन आतंकियों को। तो एक बहुत बड़ा खुलासा जिसमें लगातार जो राजस्थान की पुलिस है वो भी संपर्क में है दिल्ली पुलिस के, और ज्यादा इस मामले में तफ्तीश की जा रही है।
आपको बता दें कि राजस्थान के भिवाड़ी में अलकायदा से जुड़े जिन संदिग्धों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया, उनका मास्टरमाइंड रांची का डॉक्टर इश्तियाक अहमद है, जिस पर देश के अंदर अलकायदा वाला ऑपरेशन करने के आरोप लग रहे हैं। और इसका पूरा नाम है डॉक्टर इश्तियाक अहमद, रांची के अल हसन अपार्टमेंट से पकड़ा गया है। डॉक्टर इश्तियाक मूल रूप से झारखंड के जमशेदपुर का रहने वाला है। रांची के मेडिका अस्पताल में रेडियोलॉजी विभाग में काम करता था। हजारीबाग में भी उसका अपना क्लिनिक है। डॉक्टर इश्तियाक ने रांची के रिम्स से MBBS किया है। आरोप यह भी है कि अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट AQIS के झारखंड मॉड्यूल के लिए आतंकियों की भर्ती करवा रहा था। और यह भी दावा किया गया है कि दिल्ली और राजस्थान में डॉक्टर इश्तियाक की ओर से भेजे गए आतंकी ट्रेनिंग करते हुए पकड़े गए। अब आरोप यह भी है कि डॉक्टर इश्तियाक अलकायदा में भर्ती वाले नेटवर्क को नए सिरे से एक्टिवेट कर रहा था और फिर भंडा फूट गया। अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट के झारखंड मॉड्यूल का गठन अब्दुल रहमान कटकी ने किया था। इन आरोपों की गंभीरता को समझिए कि जब डॉक्टर जैसे पढ़े लिखे लोग, प्रभावशाली लोग षड्यंत्र रचते हैं, देश के खिलाफ बात करते हैं, युवाओं का ब्रेन वॉश करते हैं, हथियार चलाने की ट्रेनिंग देते हैं, तो नतीजे बहुत खतरनाक होते हैं। और ये रांची के उसी अपार्टमेंट की आपको हम तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जहां से डॉक्टर इश्तियाक अहमद को हिरासत में लिया गया था। दरअसल दिल्ली पुलिस ने 3 राज्यों की पुलिस के साथ मिलकर यूपी, झारखंड, राजस्थान में जगह जगह छापेमारी की। झारखंड के 3 जिले लोहरदगा, हजारीबाग, रांची में 14 जगहों पर छापेमारी हुई है। दावा है कि इन ठिकानों पर आतंकी मॉड्यूल के सदस्यों को हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही थी। इसके अलावा राजस्थान के भिवाड़ी से 6, झारखंड और उत्तर प्रदेश से 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने यह दावा किया है कि झारखंड में अलकायदा कई जिलों में नेटवर्क फैला रहा है और इसके बाद झारखंड में अधिकारियों के साथ बैठक भी हुई, फिर एटीएस के साथ जानकारी साझा की गई। और आपको बता दें कि डॉक्टर इश्तियाक अहमद के अलावा फैजान अहमद, एटीएस ने हजारीबाग के लोसिंगना थाना क्षेत्र से एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट का सक्रिय सदस्य है और टीम ने फैजान का मेडिकल टेस्ट कराने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया। तो ये पूरी डिटेल सामने आई इस केस से जुड़ी हुई। जितेंद्र शर्मा और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, दिल्ली, झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये 4 राज्यों में ये जांच पड़ताल चल रही है और एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन है कि अलकायदा मॉड्यूल के आधार पर इस तरह से आतंकियों को फैलाया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए अलकायदा का खिलाफत मॉड्यूल था जो लगातार हिंदुस्तान में फिर से अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रहा था। इस बार जिम्मा दिया गया था रांची के इश्तियाक को। डॉक्टर इश्तियाक बकायदा रांची में एक बड़े हॉस्पिटल के संचालक हैं, वहां पर उस हॉस्पिटल को चलाते हैं और बताया गया है कि जो हॉस्पिटल का जो बेनामी मालिक है उसका, वो दरअसल एक बबलू खान नाम का शख्स है जो कि बड़ा बिजनेसमैन भी है रांची का, जिसको ईडी ने हाल ही में अभी फिर से सम्मन भेजा, उससे पूछताछ करेगी ईडी भी। तो ये दरअसल जो पूरा मॉड्यूल है वो देश के अलग अलग शहरों में चलाया जा रहा था, जिसमें राजस्थान का भिवाड़ी है, यूपी का अलीगढ़ है, इसके अलावा झारखंड का रांची है और साथ ही उड़ीसा है। तो इन तमाम जगहों पर दिल्ली पुलिस ने राज्य पुलिस के साथ मिलकर जॉइंट ऑपरेशन को अंजाम दिया। 15 लोगों को हिरासत में लिया गया था, जिनमें से 11 की गिरफ्तारी कर ली गई है। और जो इश्तियाक है वो दरअसल इस पूरे मॉड्यूल का सरगना बताया जा रहा है, जो विदेश में मौजूद अपने ऑपरेटर यानी कि या फिर ये कहें कि वो अपने आका के संपर्क में था और उसके इशारे पर काम कर रहा था। फिलहाल राजस्थान के भिवाड़ी में और उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के आसपास बताया जा रहा है कि ट्रेनिंग सेंटर भी चलाए जा रहे थे। इन ट्रेनिंग सेंटर्स में जो लोग इस खिलाफत मॉड्यूल से जुड़े थे, उन सभी संदिग्धों को बकायदा हथियारों की ट्रेनिंग वहां पर दी जा रही थी, बम बनाने की वहां पर ट्रेनिंग दी जा रही थी, साथ ही उनका ब्रेन वॉश करने की कोशिश भी की जा रही थी, जैसे कि साहित्य वहां से बरामद किया गया है। इसके अलावा जांच में यह भी पता चला है कि दरअसल सोशल मीडिया के जरिए ये लोग जो नौजवान थे उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे थे, उनका ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहे थे जिहाद के नाम पर, और फिर उन सभी को यहाँ पर कैंपों में छोटी मोटी ट्रेनिंग देने के बाद बकायदा उन्हें अलकायदा का जो कैंप विदेशों में मौजूद है वहां पर भेजने की बात कही जा रही थी। तो फिलहाल 15 लोगों के बारे में अभी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को पता चला, जिन्हें डिटेन किया गया। इसके अलावा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का यह भी कहना है कि अभी कुछ और लोग हैं जो अलग अलग शहरों में मौजूद हैं और इस खिलाफत जो ये मॉड्यूल है इससे जुड़े हुए और लगातार अन्य नौजवानों को जिहाद से जोड़ने की कोशिश में लगे हैं। जी
जितेंद्र, लेकिन ये बहुत ज्यादा चौंकाता है, एक डॉक्टर MBBS जो रेडियोलॉजिस्ट विभाग में काम कर, जो रेडियोलॉजिस्ट रहे इस विभाग में काम करते हैं, वो स्लीपर सेल का काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा चौंकाता है। पढ़े लिखे लोग इस तरह कैसे ब्रेन वॉश हो रहे हैं और अपना टेरर मॉड्यूल फहरा रहे हैं, ये कहां कहां स्लीपर सेल चल रहे थे, कोई ये जानकारी मिल पाई? जी बिल्कुल, देखिए अभी चार राज्यों के बारे में जानकारी मिली है, जिसमें उत्तर प्रदेश है, उड़ीसा है, झारखंड है और इसके अलावा राजस्थान है। इनमें भी कई अलग अलग शहर हैं जहां से तकरीबन 15 लोगों को डिटेन किया गया। खास बात यह कि इनके पास से AK-47 के साथ साथ कई हैंड ग्रेनेड, विस्फोटक और साथ ही जो जिहाद संबंधी सामग्री होती है, वो साहित्य, वो इनके पास से बरामद हुआ है। इन सभी से भी फिलहाल क्वेश्चनिंग की गई, 11 लोगों की 15 में से गिरफ्तारी कर ली गई है, 4 अभी भी बाकी हैं जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। किस तरीके से ये लोग इस मॉड्यूल के संपर्क में आए, वो जानने की कोशिश की जा रही है। साथ ही पता ये भी चला है कि दरअसल कई सोशल मीडिया ऐप हैं जो इनके मोबाइल से मिली हैं, उनके जरिए ये विदेशों में जुड़े हुए थे, कई ग्रुप्स इन्होंने बनाए हुए थे जिसमें पाकिस्तान, सऊदी, इसके अलावा सीरिया तक से जो लोग हैं, जो मेंबर्स हैं उस ग्रुप के, वो जुड़े हुए हैं। उन सभी लोगों से ये आगे की फॉरवर्ड प्लानिंग की बातचीत भी कर रहे थे। दरअसल इनका मकसद था कि देश में अलग अलग शहरों में जो भी भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं उनको टारगेट करना है। कई VVIPs के बारे में इनसे पता चला है जिनको टारगेट करने की प्लानिंग कर रहे थे। दरअसल इनका मकसद था कि एक बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने के बाद, या फिर कहें आतंकी वारदात को अंजाम देने के बाद, अलकायदा एक बार फिर हिंदुस्तान में अपनी मौजूदगी दर्ज करा सके। लेकिन गनीमत ये रही, या फिर कहें खुशकिस्मती ये रही कि उससे पहले ही ये पूरा मॉड्यूल बस्ट कर लिया गया दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के द्वारा और 11 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। और दिल्ली पुलिस का कहना है गिरफ्तारी का जो आंकड़ा है वो आने वाले कुछ दिनों में और भी ज्यादा बढ़ सकता है। जी, बड़ी बात, बड़ा खुलासा कर रहे हैं जितेंद्र शर्मा कि किस तरह से झारखंड से लेकर उड़ीसा तक या फिर दिल्ली तक इसके तार, अलकायदा मॉड्यूल के तार जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग जगहों पर ट्रेनिंग कैंप चलाया जा रहा था, स्लीपर सेल्स एक्टिवेट हो चुके हैं, पढ़े लिखे लोग इसमें इन्वॉल्वमेंट इनका दिखाई दे रहा है जो आतंकियों को ट्रेन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जितेंद्र ये जानकारी देने के लिए, बड़ा पर्दाफाश करने के लिए कि किस तरह का ये टेरर मॉड्यूल है। और सूत्रों के मुताबिक इस आतंकी मॉड्यूल का जो टारगेट है दिल्ली समेत कई अन्य बड़े शहर हैं, इन की रेकी भी पहले की जा चुकी है। और इन जानकारियों पर झारखंड पुलिस का क्या कुछ कहना है और कैसे कार्रवाई हो रही है, एक्चुअली सिर्फ 120 सेकंड की न्यूज रील में आपको दिखाते हैं कि क्या कार्रवाई हो रही है। राज्य के 3 जिलों में मुख्यतः रांची, हजारीबाग और लोहरदगा में एक साथ कुल 16 जगहों पर झारखंड ATS, STF, रांची पुलिस और दिल्ली पुलिस की संयुक्त टीमों के द्वारा एक साथ छापामारी अभियान चलाया गया है। उक्त अभियान में अभी तक 8 संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। कुछ अवैध हथियार, लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स, इसके अलावा कुछ संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए गए हैं। उसमें कार्रवाई चल रही है, उसमें बहुत अच्छे इनपुट हमारे को मिले थे दिल्ली पुलिस और बाकी सब संस्थानों के द्वारा। उसमें काफ़ी लोग पकड़े गए हैं, काफ़ी सारे यू नो इनक्रिमिनेटिंग लिटरेचर और वेपन्स की रिकवरी हुई है, उस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही है।